CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला कविता मंजरी। मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक प्यारी सी कविता, आ रही रवि की सवारी। मित्रों, इस कविता के माध्यम से कवि ने सूर्योदय के रमणीय दृश्य का वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के कारण सारी धरा उज्जवल, धवल और सुंदर हो गई है। तो आइए सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। छोड़ कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी, 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 आ रही रवि की सवारी। मित्रों, कविता के इस गायन को सुनकर आपके मन में भी कुछ लिखने, गाने, गुनगुनाने की भावना अवश्य जगी होगी।
तो क्यों ना आप भी कोई छोटी सी प्यारी सी कविता लिखें और उसे गाएं और गुनगुनाएं। आ रही रवि की सवारी। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति। विषय संयोजन रविंद्र कुमार, ध्वनि अंकन बटी लैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, ध्वनि संपादन निर्देशन तथा निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।